आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने के क्या तरीके हैं। देखिए, ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे इसमें दो तीन तरीके, जैसे ठेके पर विनिर्माण, उसके अलावा फ्रेंचाइजी लेना, लाइसेंसिंग करना और भी बहुत सारे। हम इसे एक एक करके डिटेल में समझेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रकार से या प्रवेश करने के तरीके से। पहला तरीका जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है ठेके पर विनिर्माण या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, सवाल यह उठता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखिए दो कंपनियां होंगे इसमें। एक कंपनी जो कि उत्पादन कार्य करेगी, लेकिन उसका जो मार्केटिंग या विपणन का कार्य होगा उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी बहुत अच्छी होगी। और दूसरी कंपनी वो होती है इसमें जो कि बहुत साल से इस कार्य को करती आ रही है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है और वो कंपनी मार्केट में एक अच्छा खासा नाम कमा चुकी है, उसकी साख है। तो जो पहली कंपनी होगी वो दूसरी कंपनी से मदद लेगी और दूसरी कंपनी यह कार्य इसलिए करेगी ताकि वह सस्ते कीमतों पर या सस्ते दामों पर या सही दामों पर, हम कह सकते हैं, कस्टमर्स को उन उत्पादों को अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध कराए, ना कि वो इसमें अपना फ़ायदा ढूंढेगी। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को हमने जाना है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से होने वाले लाभ को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला लाभ है कंपनी के उत्पादन क्रिया के लिए स्रोत जुटाने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो बी कंपनी होगी वो कंपनी ए से जो उत्पादित माल है उसका विपणन करके सही कीमतों पर सेल करेगी, मतलब उस कंपनी के लिए वो एक विपणनकर्ता कार्य करेगी। तो यहाँ पर जो कंपनी बी है उसे किसी भी प्रकार के स्रोत की आवश्यकता नहीं है ताकि वो उत्पादन कार्य कर सके। वह मात्र विपणन भर से ही और मार्केट में जो उसकी साख बनी हुई है उसका उपयोग करके ही वो इस कार्य को, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को जो हम कह रहे हैं, इसके तहत कर सकता है। दूसरी चीज़, दूसरा जो लाभ है, विदेश में विनियोग के जोखिम से छुटकारा। बिल्कुल, यहाँ पे किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को प्लान करने की कोई आवश्यकता नहीं कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है या किसी के साथ अगर हमको कुछ व्यवसाय करना है तो उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो जाता है और इस पर काम शुरू हो जाता है और इससे जो कस्टमर्स हैं या उपभोक्ता हैं उनको सही कीमतों पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट या अच्छे गुणों के उत्पाद प्राप्त होते हैं, हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला लाभ है पूर्व स्थापित ख्याति का लाभ उठाने का अच्छा अवसर। जैसे कि मैंने बताया कि एक कंपनी बी है जिसकी ऑलरेडी ख्याति है, जिसकी अपनी एक साख है मार्केट, ब्रांड वैल्यू है मार्केट में, तो उसकी ख्याति का लाभ जो कंपनी ए है उन्होंने उठाया। और उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रखा था या उनके पास जो उत्पाद बना हुआ रखा था, निर्माण हो चुका था, उसको उन्होंने कंपनी बी की ख्याति के मदद से और कंपनी बी के मदद से क्या कर दिया, उसको कस्टमर तक पहुंचा दिया और सही कीमतों पर पहुंचा दिया। तो यहाँ पर पूर्व स्थापित ख्याति का लाभ उठाने का एक अच्छा अवसर, इसे हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले लाभ की ओर। अगला लाभ है कि यदि यह व्यवसाय ठीक न चले तो इसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, मैं आशा करती हूँ कि ये स्टेटमेंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लाभों को देख लिया है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और उसकी सीमाओं को देखते हैं। उसकी दो सीमाएं हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली सीमा है उत्पादन क्रिया पर नियंत्रण का अभाव और दूसरी है संभावित प्रतियोगिता के विकास का जोखिम। अगर हम पहले पॉइंट को समझें कि उत्पादन क्रिया पर नियंत्रण का अभाव, मान लीजिए कि कंपनी बी ने अच्छा विपणन किया और अपने मार्केट में जो उसकी ब्रांड वैल्यू है या जो उसकी साख है या हम कह सकते हैं उसकी ख्याति है, उसके मदद से उन्होंने उस प्रोडक्ट को क्या करना कर दिया, शुरू बिक्री करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, क्योंकि
उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी तो वहाँ पर क्या हुआ जनरेट, और नीड जनरेट हुई, लोगों में डिमांड मतलब बढ़ गई, लोगों को और वो प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ने लगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी बी जो है कंपनी ए पर और प्रेशर नहीं डाल सकता कि आप उत्पादन क्रिया करें या ना करें। कंपनी ए चाहे तो वो उत्पादन कर सकती है और कंपनी ए चाहे तो वो उत्पादन क्रिया नहीं भी कर सकती है। तो ये इसका पहली सीमा थी। दूसरी सीमा कहती है संभावित प्रतियोगिता के विकास का जोखिम, क्योंकि मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ बहुत ही हम समय के बदलाव के अनुरूप देखते हैं कि हर एक क्षण एक नया प्रोडक्ट आता है या प्रोडक्ट के टेक्निक्स में कुछ या नया फीचर्स आ जाता है। तो जितने भी प्रतियोगी होंगे इन संभावित प्रतियोगियों के कारण जो है उन वस्तुओं के विक्रय का जोखिम भी बढ़ जाता है। तो ये एक उसकी दूसरी सीमा थी। तो इस तरीके से हमने इसके पहले तरीके को जाना कि ठेके पर निर्माण या कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे तरीके को जानते हैं जिसे हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। बच्चों अब सवाल यह उठता है कि फ्रेंचाइजिंग है क्या। अगर हम आसान भाषा में कहें तो कोई भी एक बड़ा उत्पादक या हम सेवा क्षेत्र में भी आजकल फ्रेंचाइजिंग को देख सकते हैं, ये दोनों ही क्षेत्र में कोई जो बड़ा ब्रांड है वो अपने सेवा को या अपने उत्पाद को विक्रय करने के लिए जब उससे कोई दूसरा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके तहत वो क्या करता है कि यह सुनिश्चित किया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कि इस वह उनके नाम को चलाएगा, उनके ब्रांड नेम को यूज़ करेगा, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा, उनके सर्विसेज को यूज़ करेगा और उनकी सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए वो अपना अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा। बस इसमें करना ये रहता है, पहली चीज़ जो फ्रेंचाइजी जिसने ली है ना, वो क्या करेगा, वो व्यक्ति ये याद रखेगा कि जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसी है वो उसको वैसे ही मेंटेन करेगा ताकि ब्रांड इमेज ख़राब ना हो। दूसरी चीज़ इस फ्रेंचाइजिंग में एक निश्चित अमाउंट दी जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ्रेंचाइजर को कि जिसकी कंपनी है। जैसे कि आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हल्दीराम भुजियावाला, और आप मैकडॉनल्ड्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब या और भी बहुत सारे ऐसे सर्विस एरिया हैं या फूड एरिया है या उत्पाद हैं। बाटा का शोरूम भी आप देख सकते हैं, ये भी एक फ्रेंचाइजी की तरह ही काम कर रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ये अपनी सेवाओं को और उत्पाद को लोगों को विक्रय करने देते हैं, साथ ही साथ ये अपना नाम अपना ब्रांड इमेज यूज़ करने के को देते हैं। इसमें देखिए जो फ़ायदा जो है वो फ्रेंचाइज़र, इसमें तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एक फ्रेंचाइज़र होता है, एक फ्रेंचाइजी होता है और एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होता है। फ्रेंचाइज़र वो होता है जो ओरिजिनल ब्रांड होता है, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि हमें इस ब्रांड इमेज को यूज़ करना, आपकी ब्रांड इमेज को, आपके ब्रांड के प्रोडक्ट को या सर्विसेज को यूज़ करना। फ्रेंचाइजी वो होता है जो इसको खरीदता है एज ए कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कि हम आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को इस ब्रांड के अंतर्गत खरीदना चाहते हैं, इसमें हम आपके ब्रांड नेम को यूज़ करेंगे, आपके प्रोडक्ट को आपके ब्रांड नेम के साथ कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो ये फ्रेंचाइजी होता है। और इन दोनों के बीच जो एक समझौता तैयार होता है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, इसे हम फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें देखिए जो फ्रेंचाइज़र होता है उसको दो प्रकार से क्या होता है, फ़ायदा होता है। पहला जो एग्रीमेंट बनता है उसके तहत क्या होता है, जो फ्रेंचाइजी होता है उसे फ्रेंचाइज़र को कुछ अमाउंट देना पड़ता है, तो ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा कि उस फ्रेंचाइज़र का अपना प्रोडक्ट देश के हर कोने में पहुँचता है या उसकी सेवा देश के हर कोने में पहुँचती है। इससे क्या होता है कि जो फ्रेंचाइज़र होता है वो अपने प्रोडक्ट के उत्पादन को
कंटिन्यूअस भी कर रहा है, मतलब बनाए रखा है और अपने उत्पाद को पूरे देश में बेच रहा है, और उसके लिए वो कुछ एक्सपेंस नहीं कर रहा, बल्कि उसको पूरे देश में विक्रय करने के लिए वो अलग अलग फ्रेंचाइजी से पैसे कमा रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, या हम कह सकते हैं फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बनाया है, जिसके तहत वो उनके ब्रांड नेम, ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, उसको सेल करेंगे, और उसके तहत जो भी एक उनको बेनिफिट होता है उसका कुछ परसेंट जो होता है उस फ्रेंचाइजर को जाता है। लेकिन उस एग्रीमेंट के तहत ये भी निश्चित किया जाता है कि उस एग्रीमेंट में वो शायद 5 ईयर्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, और इस 5 ईयर में उसको कुछ अमाउंट जो है इस फ्रेंचाइजर को देना पड़ता है। तो बच्चों, इस तरीके से आपने फ्रेंचाइजिंग को जाना और समझा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और फ्रेंचाइजिंग को जानने के बाद हम फ्रेंचाइजी व्यवसाय की विशेषताओं को देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं के माध्यम से इन्हें हम और अच्छे तरीके से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ्रेंचाइजी व्यवसाय की विशेषताओं में आपको पहली जो इसकी विशेषता है वो लिखा हुआ है, नाम के प्रयोग का अधिकार, राइट टू यूज द नेम। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के तहत फ्रेंचाइजी के लिए रेडी होगा वो क्या करेगा, उस ब्रांड के नाम को प्रयोग कर सकता है, उसे ये अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, इस पर लगातार नियंत्रण रहता है, कंटिन्यूस कंट्रोल। जो ओरिजिनल ब्रांड रहता है या जो उत्पादक है वो क्या करता है, वो हमेशा इन फ्रेंचाइजियों को क्या करता है, हमेशा इन पर कंट्रोल बनाए रखता है कि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है मेंटेन रहे, और वो सही कीमतों पर जो है कस्टमर्स तक पहुंचता रहे, उनके साख कभी भी ख़राब ना होने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन फ्रेंचाइजर्स का, उन फ्रेंचाइजी पर हमेशा कंट्रोल या लगातार नियंत्रण बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो इसकी विशेषता है वो कहती है फ्रेंचाइजी की सहायता, असिस्टेंस थ्रू फ्रेंचाइजी। देखिए, अलग अलग तरीके से वो उनको असिस्ट करते हैं, ट्रेनिंग के लिए असिस्ट करते हैं, उनके लिए विपणन कार्य करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो इसमें जो भी सहायता, इस तरह की सहायता है वो फ्रेंचाइजी की सहायता के लिए होती है। फिर है अलग व्यवसाय, सेपरेट बिजनेस। देखिए, फ्रेंचाइजर का बिज़नेस बिल्कुल सेपरेट है और फ्रेंचाइजी का बिज़नेस बिल्कुल सेपरेट है। फ्रेंचाइजर, मैंने बताया, दो तरीके से क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। पहला, वो एग्रीमेंट के तहत जो रकम लेता है उस एग्रीमेंट करने वाले के साथ वो, और दूसरे जो उसके उत्पाद से, विक्रय से उसे जो लाभ प्राप्त होता है वो। और ये जो फ्रेंचाइजी होते हैं जिन्होंने एग्रीमेंट किया है कि हम आपका ब्रांड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, आपका ब्रांड नेम यूज़ करना चाहते हैं, और उस बेसिस पे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये लोगों का बिज़नेस जो है फ्रेंचाइजर के बिज़नेस से अलग रहता है, क्योंकि वो उन प्रोडक्ट को बेचते हैं और उनमें जो परसेंटेज बनता है वही उनका जो होता है प्रॉफिट हम कह सकते हैं। तो ये दोनों का जो व्यवसाय होता है वो एक दूसरे से पूरी तरह सेपरेट या अलग होता है, हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा बिंदु इसकी, या पांचवी विशेषता हम कह सकते हैं, जिसे सामयिक फीस, पीरियोडिक फीस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस फ्रेंचाइजी को, उस फ्रेंचाइज़र को 5 साल के लिए समझौता तैयार होता है और उसे कुछ अमाउंट देना पड़ता है, तो ये इस तरह की सामयिक फीस जो डिसाइडेड रहती है और बने हुए एग्रीमेंट के कारण ही, ये उस समय पर ही डिसाइड होती है और उस एग्रीमेंट के तहत ही फ्रेंचाइजी को, फ्रेंचाइजर को पैसा देना पड़ता है या फीस देनी पड़ती है, हम अच्छे शब्दों में कह सकते हैं। अगली विशेषता है न्यूनतम समझौता अवधि, मिनिमम एग्रीमेंट पीरियड। जैसे कि मैंने बताया कि जो मिनिमम एग्रीमेंट पीरियड है वो कम से कम 5 साल का हो सकता है, और लिखित वादा, रिटन अंडरटेकिंग के अंतर्गत वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसके अंतर्गत लिखा रहता है कि हम आपके ब्रांड के साथ जुड़े रहेंगे, आपके ब्रांड किस को हम कभी उसकी साख को कम नहीं होने देंगे, उसके लिए अच्छी तरीके से व्यवसाय करेंगे, और ये सारी चीज़ें उस अंडरटेकिंग्स में लिखी जाती हैं। तो ये है लिखित वादा, और इस तरीके से एक फ्रेंचाइजी व्यवसाय की विशेषताओं के थ्रू हमने फ्रेंचाइजिंग को जाना।
आगे बढ़ते हैं और फ्रेंचाइजी व्यवसाय के लाभ को देखते हैं। तो अगर फ्रेंचाइजी व्यवसाय के लाभ में हम पहला एक सेक्शन देखेंगे जिसे हम फ्रेंचाइजर को लाभ देखते हैं। तो फ्रेंचाइजर को क्या लाभ है? सबसे पहली बात, कम विस्तार लागत, लो एक्सपेंशन कॉस्ट। जैसे कि मैंने बताया कि कोई एक उत्पादक है, मान लीजिए हम लोग किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, या मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, निर्माण कार्य किया, अपना अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया, उसकी अच्छी ब्रांड इमेज है, बहुत बड़ी ब्रांड इमेज है। अब उन्होंने क्या किया, फ्रेंचाइजी दे दी है सबको पूरे देश भर में। अब उनको अपने प्रोडक्ट को केवल उन तक पहुंचाना है, उनके लिए अलग से शॉप को सेटअप करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, उस ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को मंगा रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं और ख़ुद भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो है उस ओरिजिनल कंपनी तक भी पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से कम विस्तार लागत में ही काम हो जा रहा है। इसमें जो ओरिजिनल ब्रांड है उसे देश के हर हिस्से में अपनी एक शॉप को व्यवस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें किसी भी तरीके की लागत नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंचाइजर को लाभ। इसमें जो दूसरा लाभ है, बड़े पैमाने की इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी जो स्केल की हम या बड़े पैमाने की बचतों को हम देख सकते हैं, बहुत सारे जो हम कह सकते हैं बचत हो जाती है। क्योंकि देखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अरेंज किया, अगर इन्होंने अरेंज किया है तो वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया के लिए हो जाएगा। अगर इन्होंने एडवर्टाइजिंग की तो उस ब्रांड की एडवर्टाइजिंग देश में जितने भी फ्रेंचाइजी हैं उनके लिए हो जाएगा। अगर उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन की, मार्केटिंग किया, तो मार्केटिंग उनको हर किसी के लिए अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। उस देश में जितनी भी फ्रेंचाइजी है या उस एरिया में जितनी भी फ्रेंचाइजी उन्होंने दी गई है तो उस लो कॉस्ट में ही वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो बड़े पैमाने की बचतें सामने आती हैं। अगला बिंदु है दोहरी आय, डबल इनकम। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो फ्रेंचाइजर होते हैं इनको दोहरी आय प्राप्त होती है। पहला कि इनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसमें उनका परसेंटेज बना होता है, और प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो वो कमा ही रहे हैं। दूसरी चीज़, जो एग्रीमेंट बना होता है, एग्रीमेंट के तहत जो उनको फ्रेंचाइजियों से पैसे मिलते हैं या फीस मिलता है एग्रीमेंट के तहत, वो उनकी दोहरी आय हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंचाइजर के लाभ को देखते हैं। साख में वृद्धि, इंक्रीजिंग गुडविल। अब क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और उनको इतने लो एक्सपेंशन कॉस्ट में और बड़े पैमाने की बचतों के साथ वो देश दुनिया के हर भाग में पहुंच रहे हैं, तो इस तरीके से उनके प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी के कारण या उनके सर्विस की बेहतर उपलब्धता के कारण हम कह सकते हैं उनके साख में वृद्धि होती है। अब हमने देखा है कि फ्रेंचाइजर को लाभ मिल गया, अब इसमें फ्रेंचाइजी को कैसे लाभ प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। फ्रेंचाइजी के लाभ में आप पहला लाभ स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है तैयार बाज़ार। अब क्या होता है, क्योंकि सारी चीज़ें उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, उसकी मार्केटिंग कर दी गई है, उसके एडवर्टाइजमेंट्स हो गया है, तो यहाँ पे बाज़ार उनको रेडीमेड तैयार मिल गया है फ्रेंचाइजियों को। तो यहाँ पर इस सब में उनको जो है खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंचाइजर ने वो सारी काम या सारे खर्च खुद वहन कर लिए हैं। दूसरा, अनेक तरह से सहायता। ये जो है फ्रेंचाइजी उनको अनेक तरीके से लाभ होते हैं कि उनको जो है ट्रेनिंग दे दी जाती है, उनके लिए जो है दूसरी चीज़ें एडवर्टाइजिंग कर दी जाती है, उनके लिए मार्केटिंग कर दी जाती है। इन सब में उनका कोई कॉस्ट नहीं लगता, कोई एक्सपेंस नहीं लगता, और इन अलग अलग तरीक़ों से जो फ्रेंचाइजर है फ्रेंचाइजी को लाभ पहुँचाता है। राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन, यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया एडवर्टाइजिंग की बात आई, एक बार अगर वो फ्रेंचाइजर करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो उसने अपने एक एडवर्टाइजमेंट या दो एडवर्टाइजमेंट बनाए और उन्होंने टीवी पर, वीडियो, रेडियो पर या दूसरी चीज़ें हम कह सकते हैं ऑनलाइन, इन सब को अगर क्या कर दिया, ऑन एयर कर दिया,
तो इस स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन हो गया और इस विज्ञापन की वजह से जो विज्ञापन का खर्चा है और विज्ञापन करने का कार्य है वो फ्रेंचाइजी को नहीं करना पड़ता। तो ये भी एक प्रकार का लाभ उनको प्राप्त होता है। कम जोखिम है क्योंकि उनका बहुत मिनिमम कॉस्ट इसमें इन्वेस्ट होता है। मान लीजिए किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए उसको 1,00,000 रुपये देना पड़ा है, लेकिन उस ड्यूरेशन में उसने थोड़ा नुकसान झेला है लेकिन कहीं ना कहीं उसने प्रॉफिट भी कमाया है, लेकिन उसमें उसका जोखिम कम है क्योंकि उसको मैन्युफैक्चरिंग ना यूनिट बनानी पड़ी है, ना प्लांट बनाना पड़ा है, ना भूमि देखना पड़ा है, ना उसको अलग अलग रिसोर्सेस यानी संसाधनों को इकट्ठा करना पड़ा है। इसमें संसाधनों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप ह्यूमन रिसोर्सेस ले सकते हैं, मानवों को ले सकते हैं, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल ले सकते हैं, मशीनों को ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, ऑफिस सेटअप करने में बहुत सी चीज़ें लगती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बच गए हैं, इन सभी खर्चों से बच गए हैं, तो जोखिम अपने आप क्या हो गया है, कम हो गया उनके बिजनेस में। और इनका अंतिम लाभ जो है कम विनियोग, जैसे कि मैंने बताया कम विनियोग में क्या हो सकता है कि कम विनियोग किया उन्होंने, मतलब इन्वेस्टमेंट कम किया और इन्वेस्टमेंट कम करने के बाद भी उनके प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आई है। कम इन्वेस्टमेंट कैसे किया, कॉन्ट्रैक्ट जो बना कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही उन्होंने क्या कर दिया है, केवल उतना ही अमाउंट जितना कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उस फ्रेंचाइजर को दिया है, और फ्रेंचाइजी से अलग अलग तरह की मददें ले रहे हैं, जैसे कि उनसे उत्पाद भी ले रहे हैं, उस उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने के लिए अलग अलग संसाधन, उसकी मार्केटिंग के लिए खुद फ्रेंचाइजर ही काम कर रहा है, उसके एडवर्टाइजिंग के लिए खुद फ्रेंचाइजर ही काम कर रहा है, उनको इन सब में किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं, केवल सेटअप करना है तो एक शॉप लेना है या उसके लिए एक जगह लेनी है जहाँ पर उन उत्पादों को रख सके, या सर्विस देने के लिए, सेवा देने के लिए उस तरह के एक शॉप की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस तरीके से कम विनियोग में जो है फ्रेंचाइजी को लाभ प्राप्त होता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है फ्रेंचाइजी व्यवसाय के लाभ को देखा, जिसमें हमने फ्रेंचाइजर को प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जाना है, और दूसरी चीज़ फ्रेंचाइजी को प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में भी जाना है।